हेलो फ्रेंड्स, ये रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में ये बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल रतन कुंवर। इसे राजस्थान में बेसन की चक्की बोलते हैं और ये गुजरात का भी ट्रेडिशनल डिश है, तो इसे गुजराती में इसे मोहन थाल बोलते हैं। इसे आप बेसन की बर्फी भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। हमेशा की तरह फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। मोहन थाल या बेसन की बर्फी बोल सकते हैं, बेसन की चक्की। तो बेसन की चक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब बेसन लिया है, जिसे मैंने छान के ले लिया है, और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे सूजी ली है, 1/4 कप मैंने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल किया है, और 1/2 कप मैंने यहाँ पे चीनी ली है। 1/2 टीस्पून के करीब आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप के करीब मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे मैंने काट के ले लिया है। तो सबसे पहले हम गैस पे एक पैन चढ़ा देंगे, तो ये हम इसमें घी ऐड कर देंगे। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ये बेसन ऐड कर देंगे और ये सूजी भी हम ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। सूजी फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आप बेसन का दाना बना सकते हैं तो आप सूजी मत ऐड कीजिए। मैंने बेसन का दाना नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसमें सूजी ऐड करी है। तो इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। बेसन को हमें इस तरह से चलाते हुए भूनना है, हमें बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो पैन के तले जो है ये चिपक सकता है। एकदम सुनहरा होने तक इसे हमें चलाना है, तो ऐसा सुनहरा कलर आने तक हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तो अब हम गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। और फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए कि पैन हमारा गर्म है, तो थोड़ी थोड़ी देर में आप जो है इसमें स्पैचुला चलाते रहिए। और अब हम चाशनी की तैयारी कर लेंगे। तो हमने जो है दूसरा पैन ले लिया है, और अब हम इसमें 1/2 कप के करीब चीनी डाल देंगे, 1/4 कप के करीब पानी है। इसे हम चलाते हुए हमारी डेढ़ धार की चाशनी जो है हमें बनानी है, और राजस्थान में इसे बेसन की चक्की बोलते हैं, तो ये राजस्थान का भी ट्रेडिशनल डिश है। और अभी फ्रेंड्स खासकर रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करें। ये हमारी चाशनी बन रही है, जब तक हम इलायची कूट के ले लेंगे और एक थाली को हम ग्रीस करके रख देंगे। चाशनी में तार का पता नहीं चलता है, तो चाशनी को आप प्लेट में लेके थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए, और फिर आप देख सकते हैं ये बेसन हमारा ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम लो कर देंगे हम, और इसे हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसमें ये इलायची ऐड कर देंगे, और फ्रेंड्स मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे इसमें चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं। बट अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसे हम थोड़ा सा थिक होने देंगे, और फिर हम गैस की फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे, और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमने ग्रीस करके रख दिया, ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से दबाते हुए इसे हम एकदम स्मूथ कर देंगे। इसमें हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, आपको जो ड्राई फ्रूट है पसंद है वो डाल दीजिए। इसे हम करीब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, तो अब हम इसके पीसेस कट कर देंगे। आपको फ्रेंड्स जैसे पीसेस पसंद है वैसे कट करिए। तो इस तरह से हम हमारे पीसेस को कट कर देंगे कि हमने पीसेस में कट कर दिए हैं। आप सबसे कॉर्नर वाले पीस को निकालिए ताकि दूसरे पीस आसान से निकल सके। सारे पीसेस जो है निकाल देंगे। हमने थाली को ग्रीस किया था, तो बहुत ही आसान से हमारे पीसेस जो हैं निकल रहे हैं। बेसन की बर्फी जो है बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि देखिए, तोड़ के बताती हूँ कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप डेढ़ तार की चाशनी बनाएंगे और इसी प्रोसीजर से बनाएंगे, हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी हमारी बर्फी जो है बनके तैयार होगी। तो रक्षाबंधन आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो आप घर पे बनाइए ये रेसिपी और मुझे फीडबैक देना मत भूलिए। मेरा वीडियो जो है फ्रेंड्स एंड तक देखिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में।